ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਹਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਜਰ ਉੱਠਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਗਾਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਫੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਗਾਰ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਅਲ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫਸੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਮੀਰੇਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੂੰਗਾ। हाँ जी, कितना फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सो दुबई का ट्रिप इतों स्टार्ट हो रहा। अजे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना वा, मतलब मैं लुधियाने तो निकलिया, बला बला बुक की बाई, मतलब काम करते हैं वैसे ही उन्होंने चंडीगढ़ जाना हों तो इतना सवारी सवूरी चक लेंगे। इतों जा रहे आप चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो लैनी आप करंसी, उत्थे भी फ्रेंड न मिलना गिद्दू साहब न, तो आपू छे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना, फिर रात की फ्लाइट है मेरी दिल्ली तो दुबई। सो सारा व्लॉग एंड तक देखियो, पूरा मजा आऊगा। चलो 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 बाकी चलते हैं बाई को। सो गाइस, मैं फर्स्ट टाइम बला बला बुक की थी, ते थोड़ा जा पता की होंगे वा एज अ थोड़ा बहुत पब्लिक फिगर कह देंगे, तो भी मम्मी ने सीखा कि थोड़ा ध्यान ना जाई। फस्ट टाइम की मैं आ के वीरे मिलिया तो कहते तू पछाणिया नहीं लगता। मैं क्या, मैं ध्यान ना देखा, ये मेरे है असी इकट्ठे स्कूल पढ़े हैं नाइटिंगेल स्कूल, तो मेरे हिसाब न असी हूँ 12-13-14 साल बाद मिले, 15 साल ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स। पंद्रह साल बाद मिले हैं, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि जेडे शख्स मैं 15-16 साल पहला मिले सी बहुत डिफरेंट सी, तो एकदम मेरा ना लाइक मैं पहचान नहीं पाया यार। कोई मेमोरी है कि मेरी थोड़े नाल तुहानू याद है कोई? क्रिकेट, क्रिकेट मेमोरी है ना अपनी, क्रिकेट खेलते सी, फुटबॉल भी, फुटबॉल हाँ जो आप फुटबॉल का अपना टूरनामेंट होंदा सी स्कूल दे विच। हाँ सत्ती भाजी होंगे जी क्रिकेट में। हाँ हाँ क्रिकेट बहुत खेडी, मैं पेसर हूँ मेरा भी खेलते होंगे सी। वधिया यार, मतलब स्कूल चो निकले कोई डिफरेंट प्रोफेशन में, कोई कारपोरेट च, तो अज जे मैं मोहाली मिले वो भी मेरे फ्रेंड ने। तुसी जूनियर होंगे जी ना, एक अद्धी क्लास थले होंगे जी? एक सैक्शन ना, जिदा मैं 8वीं होंगे मेरा 7वीं होंगे सी। सो वधिया यार, जिदा जिंदगी इदा सरप्राइज मिलते रहते हैं वधिया भी लगता। हाँ जी की हाल ने? उस मैंने टाइम दिता सवा नौ पहुंच जाऊंगा, ठीक है? उस हिसाब मैं साजर उठा एक्चुअली। अच्छा, ओटीपी देना पैना? हाँ बैग पिछे रखा। यार अज ना एक चमत्कार होया दस्या सी, मैं तुहानू बला बला बुक कीती सी, घर दे वी टेंशन लैंदे सी वी यार देख ला तू, क्योंकि यार मैं अपनी गड्डी सर्विस दित्ती सी, बस से जाना नहीं सी मैं, तो मैनू ईजी कन्वीनियंट लग्या बला बला, पर घर दे डरदे सी, ते मैं दस्या कि स्कूल फ्रेंड मिल गया, नाइटिंगेल स्कूल पढ़े आ, अचानक ही मिल गया ना, तो गुरिंदर मिले इन्हों क्लासमेट से, सोचो कौन हो सकता? ईशु। अच्छा मेडिकल वाला। हाँ बहुत चेंज आ गया ईशु च, कॉर्पोरेट लुक बंदे दी सुपीरियर हो गया पूरा, कहते भी 1 स्टार तो 5 स्टार पहुँच गया, तो गुड एक्सपीरियंस यार वधिया। मैं कॉर्पोरेट वाले बंदे ना अलग ही वाइब होंगी है, भाजी की नहीं आई हजे तक मैं कॉर्पोरेट वाइब। सो मैं वीरे नूं फोन किया, मैं क्या वगार
ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਗਾਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗਾਰਦਾ यार मैंने ना गोलियां नहीं घुमानी होंगी मैं बुगार बुगार ही हूं मैं बुगार बैठी देखो लाल टी शर्ट भी मैं इतने घुमाओ कर तो जज कर ला बुगार यार जेडे ना चाइल्डहुड च मिले होंगे कदे जज नहीं करी उन्होंने ठोक के कही भी भाई बुगार आ मैं सची मैं सोचने लग गया चंडीगढ़ मेरा दोस्त मैं दोस्त ही नहीं है चंडीगढ़ मेरा मैं याद है मैं भरा है फिर गेदू साहब न फोन किया जाए तो लुधियाने तो महंगी मिलती पई सी मोहाली तो अपन सस्ती मिली थे फ्लाइट भी अपनी इथों ही है 4 बजे की फ्लाइट है 10 बजे ने अजे बस मैं 12 बजे भी ला दूंगी कोई चक्कर नहीं है ठीक है क्योंकि यार मैं पहला पहुंचना सेफ रहो अपना आराम मैं चैक इन करा तो 4 बजे तो 5 बजे आप पहुंच जाए दिल्ली तो रात की 10 बजे की फ्लाइट हैगी दुबई की करंसी ले ली सी आपा तो पूरे 1,20,000 देके आज नक मिलया वा अच्छा सो हुण लेना वा बैग भई इधर पासपोर्ट जरूरी चीजा पै जांदियां क्योंकि जदों आपा रश च हुंदे ना कई बार चीजा मिसप्लेस हो जांदियां तां करके आपा ले लिए समान पर्स वगैरह सारा कुछ तो मैं ट्रैवल चाहिए सीखा हमेशा एक बैग कैरी करो बाकी यार शॉप हैगी देखते हैं टी शर्ट भी सोहनी हैगी इत्थे तां यार मैं यार टी शर्ट तां लूंगा इत्थों फिर हैना मैं अंकल जी ने कहा मैं बैग खाली देता चीनी पा के दे दो थोड़ी जी क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है सो गाइस बैग ले लिया सी यार क्योंकि इतना सारा सामान होता ना मतलब गुम हो जाता यार मिसप्लेस हो जाता रश रही फ्लाइट ले रहे हैं ये वो सो आ सामने वधिया बैग ले लो कुछ सारा समान थोड़ा पै जाना बाकी आप दो टी शर्ट्स लिया सी कलर वधिया लगे रेट थोड़ा जहा ज्यादा लाता इन्होंने मैं रिक्वेस्ट भी की थी, पर महंगी लगी हूँ टी शर्ट मैं जैन रेट ज्यादा लगे पर मैं फसे चीगा मैं चलो यार हूँ खर्चा हो रहा कर दी है तो बैग ठीक है चलो 950 का बैग मिले चलो ये ठीक है यार सो गाइस हूँ भीरे से जूस तो भीरे ने एक वधिया सलाह दी मैं हो गया सी जल्दी फ्री आप हमेशा यार जल्दी कोशिश करते हैं भी एयरपोर्ट जल्दी पहुँच जाइए लेकिन मेरी 4 बजे की फ्लाइट है तो हूँ बजे ने 11:30 साढ़े 12 डेढ़ 2:30 3:30 4 घंटे पे ने सो मैं ब्लॉग भी अपलोड करना इतने इंटरनेट है नहीं यार बड़ी दिक्कत आती है यार जो अपने ट्रैवल में ब्लॉग अपलोड करते हैं सो वीरे के घर जा रहा मैं उत्थे ब्लॉग अपलोड करूँगा तो वीरे बिजी ने वैसे थैंक यू यार बई समा कट लिया ब्लॉग च कहना पैंदा बाकी चलता तो ब्लॉग अपलोड करूँगा तो उत्थों जावे एयरपोर्ट थोड़ा अद्धा घंटा रैसट करूँगा कि मिलता थानू मैं दूस घंटे ना सो यार देखो शौक होंगे ना एक ही चीज़ है 9mm की गोली है ये तो जोड़े पबजी खेडते हैं वो दस्यो कि बंदूक ना आ पाते हैं सो ये भी शौक है यार किसी ने छला बनाया मन लगे तुम रामगढ़ी हो तुम भी आर्जे परजे बनाने नहीं नहीं आप लकड़ के परजे बना गुली घड़ कट्टी नहीं होनी किन्ना बीप करना पै रहा भाई गंदा गंदा बोल लिया सीगा सो मेरा वाह रामगढ़िया नाल ही पैंदा एक बीर रामगढ़िया इधर गेदू रामगढ़िया ये जुगाड़ी होंगे ने वैसे रामगढ़िया इन्हों को हर चीज़ का सल्यूशन होंगे हूँ भी देखो मेरी फ्लाइट फ्लूइट है कोई भी सल्यूशन हाँ यार इदा करके ऐ कर लें है ना भी ये बड़ी अच्छी बात कही यार सो यार वीरे दे रूम च आ गए सीगे ते एंटर कर दी सब ना पहला मैं की देखा ले जा सिद्धू मूसेवाला आई एम नॉट रूड आई जस्ट से वट अदर डोंट हैव गट्स टू से उधर भी देखो यार हर घर वस गया हर घर सिद्धू भाई वस गया यार भाई चले ने यार इन्हां दी मीटिंग है ते घर सौंप गए ने बाकी आप रेस्ट करांगे उस तो बाद मैं चलना ठीक है ब्रो देखो यार इदां दे भी दोस्त भरा इदां दे भी भरा ने देख लो यार आया अपनी जॉब छड के भाई कहिंदा तू रेस्ट कर इत्थे ते उस तो बाद कैब बुक करके अपना एयरपोर्ट निकल जी क्योंकि मैं जल्दी एयरपोर्ट पहुँच जाना सी सो फोन चार्ज करते हैं तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है दवाई खाने उस तो बाद सीधा मैं तुहानू हुण मिलूंगा कैब च
गाइस कैब आ गई सी तो चलते हैं एयरपोर्ट वालू। सो जा रहे हैं जी एयरपोर्ट, 4 बजे अपनी फ्लाइट है। तो हजे टाइम मेरे हिसाब ना होया कितना होया 12:55 एक बजे 3 घंटे है आराम नाल पहुंचांगे। अबीर तेरा कंटेंट जा रहा यार की यार तुसी किद्दां दे व्लॉग पाउंदे हो देखो तुहाडा तुहाडियां वीडियो आ जा रहीयां ने छी यार वीर यार वधिया वीडियो बनाया कर यार यार मैं मिस कर रहा वीर राम गड़िया नूं पहले ट्रिप ते नाल गया सी थाईलैंड दुबई मैं कल्ला जा रहा मैं चलो मतलब नाल दोस्त हैगे ने पर जिहड़ा वीर नाल साडी मतलब एक मेल जोल सीगा जो कॉमेडी करदे सी रोस्ट करदे सी एक दूजे नूं मिस करूंगा। बाकी जल्दी मैं ते वीर दोबारा प्लान कर रहे हैं ट्रिप, इस ट्रिप तो बाद वो ट्रिप। सो गाइस एयरपोर्ट ते पहुंच गया सीगा जी ते टाइम नाल ही पहुंच गया 2.5 घंटे पे आ बाकी चलते हैं। वो हैगा जी एयरपोर्ट यार डिपार्चर ते बड़ी भीड़ अज बोर्डिंग पास ले लिया सी गाइस हुण जाने आ सिक्योरिटी चेक च वो सामने ही है थे सिक्योरिटी चेक करन तो बाद मैं तुहानू मिलदा। सो गाइस बोर्डिंग पास ले लिया सीगा ते सामने वाला हेल्दी मैनू मिलिया डोसा सो हैविंग डोसा क्योंकि मेडिसिन चल रही है हेल्थ सही नहीं हैगी सो मैं डोसा खा रहा वा ते गेट नंबर अजे आया नहीं हैगा सो वेट करते हैं 2 आवर्स पे ने अजे फ्लाइट नूं ते मैं खाना फिर तुहाडे नाल गल करदा। सो यार अपनी फ्लाइट हैगी आ हाली 605 टू दिल्ली 09 हजे सिक्योरिटी चलती पई है। सो अपने को अजे काफ़ी टाइम हैगा वा थोड़ा चिल मारते हैं कॉफी कूफी पीने 2 घंटे बाद 9 नंबर गेट है अजे सिक्योरिटी चलती पई है 4 बजे फ्लाई करना 5 बजे पहुँचा उत्थे मिलेंगे हरनीत नूं। यार जो खुला टाइम होंदा ना बंदा फ्री रहिंदा कोई स्ट्रेस नहीं रहिंदा फ्लाइट डिले का ये मतलब फ्लाइट मिस होंदा। सो यार बहुत मुश्किल ना डोसा मिलया सी जिहड़ा हेल्दी सीगा तुहानू पता मैं बीमार चल लिया तो वह भी 450 का मिलया तो नहीं वधिया सीगा वो हुण कॉफी पीन लगे हैं। सो यार एयरपोर्ट तो यह तो हुंदा ही आ हुण थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पैंदा। सो यह है कि कॉफी नहीं हुई यार अजे तक पीते चीनी यार जिम्मे डोसा सी कॉफी वधिया वा कॉफी एक्चुअली वधिया वा कॉफी वालों आ मिल गया तो ये कैफे कैफे लीशियस तो कॉफी है। आ देखो यार एयरपोर्ट से कबूतर कबूतर वाला एयरपोर्ट देखो यार कितना छोटा जा प्लेन है तो ये जड़े विंग्स है कि सो गाइस बोर्डिंग कर लगे सीगे तो बस आ गई है बस तो आप जावे अगे फ्लाइट लवेंगे। फ्लाइट बोर्ड करन लगे थी मौसम मौसम होया पिया वा माहौल देखो तुसीं तो बहुत ही सोहना माहौल है यार इत्थे की बोर्ड करदे आ यार यार हवा इतनी सोहनी चलती पई है ना बहुत वधिया मौसम होया पिया आ वेखो यार देख दे वीडियो लैंड कर गए थे बट 1 घंटा डिले हो गई फ्लाइट सो मैनू हुण रश करना पैना डोमैसटिक एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना T1 तो T3 जाना वा
सो यार सारे डिले हो गए, सारे लेट ने फ्लाइट तो, जल्दी जल्दी बस लेने इतों डोमेस्टिक एयरपोर्ट चलते हैं, उस तो बाद शटल बस लैनी है। वो देखो यार धुआं किवें निकलदा, फटाफट लैने आप बस क्योंकि अपनी दूजी नैक्सट फ्लाइट आ आएगा से बस में ना जा पाइए, नैक्सट बस तो बहने तो यार बहुत 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 भीड़ है। सो गाइस रश ज़्यादा हो गया क्योंकि इतों कनैक्टिंग फ्लाइट है सारे दिन, किसी ने जयपुर जाना किसी ने कोलकाता जाना, सो सारे कितने रश पिया हो यार, सारे मेल्स वगैरह कर रहे थे भी कितना कर सकते हैं, सो मैं भी रश करना है इतों, मेरे को 3 घंटे है यार। भाई मिले थे कहते यार यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी, मैं क्या नहीं यार असी पंजाबी बोली दी तो हिंदी नहीं बना सकते, बट आई विल ट्राई, मैं हिंदी पंजाबी मिक्स करके बना दूँ, लाइक इतों चुक लिया इतों बैग चुक लिया हूँ चले असी, लाइक थोड़ा ट्विस्ट करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा हिंदी ट्विस्ट रखा। सो यार टाइम घट मैं रश करना पैना 9 नंबर बैल्ट तो बैग लेना, ता ही देख लो मैं सवेर का कदों का निकलिया फिर भी टाइम घट रह जाता कई बार, सारे थोड़े जे स्ट्रैस में ने क्योंकि फ्लाइट डिले होगी। सो यार आ गया बैग, एक्चुअली बैल्ट चेंज करती सी 9 to 7 हो गया सीगा, सो आ गया बैग फिर भी टाइम पर पहुँच गए, दूरों ही बैग लिशकता अपना। सो चलते हैं हुण शटल बस लैन, बाहरों ही मिलती है शटल बस, बस टाइम पर आ जाए शटल बस क्योंकि इतों जाने 1 घंटा लगना यार, लेट ना हो जाइए बस। सो यार वो लिखा वा बई T2 ते T3 जाने लई शटल बस। सो गाइस आ खड़ी है शटल बस, ये अपन लैके जाऊगी T3, इतने अपन टिकट चेक करवानी होंगी है बई साड़ी नैक्सट फ्लाइट हैगी है, सो टिकट चेक कराने इतने दुबई की फ्लाइट की, तो ये अपन लैके जाऊगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये वधिया यार ईजी हो जाता कैब कूब लैन नालों, खर्चा बचता फ्री ऑफ कॉस्ट हों नाले। सो गाइस आ कूपन मिले वा जे आ हैगा तो फ्री आ, नहीं तो 25 रुपीज़ लगते हैं। सो गाइस पहुँच गए T3 ते हरनीत वेट करता पाया वा उत्थे, KFC हैगा कहिंदा मैं, तो पहला एंट्री लईए उधर नेड़े हैगा। सो यार जदों लेट हुंदा ना बंदा उदों थोड़ा हड़बड़ा आ जांदा, लेकिन आपां टाइम ते ही हैगे आ, बस वधिया सी यार मतलब फ्री च भी आ गए ते टाइम ते भी पहुंचाता। देखो यार दिल्ली एयरपोर्ट का हाल देखो तुसीं, सो किसी गेट तो एंट्री नहीं मिली बट ट्राई करते हैं। सो यार एयरपोर्ट एंट्री कर ली सी, हूँ मिलना आप हरनीत नू, हरनीत नू पहला फोन करते हैं कितने, उन्हें KFC गया सी, यार एयरपोर्ट बहुत वड्डा है इंटरनेशनल। सो यार अपनी एमीराइट्स की फ्लाइट आ, तो मैनू अगे लगता वा, बाकी यार एयर कैनेडा की फ्लाइट का हाल देख लो तुसीं, जिहड़े कैनेडा जाना चाहते ने जा रहे ने आ हाल हुंदा, 4-5 घंटे पहला आया करो। सो सारे कैनेडा वाले ने एमीराइट्स का कैबिन कितने वो लभदे हैं, तो हरनीत नू भी लभदे हैं, ये हैगा हजे F चलता पाया वा, सो EF उत्थे आपां J जाना वा। बैग घेंट लगे यार मैनू, मतलब बहुत इनू ट्रैवल देता हजे तो वधिया, देखो आपे रुड़ी जांदा। तो वो आ रहा जी हरनीत, आ वेख लो आ थाईलैंड फुकेत तो आए हुए, कुछ पता नहीं हैगा भाजी हरनीत लेट हो गया सारा कुछ आया ना भी चल भी ओले नहीं बहुत तेज आया शटल बस नाले फ्री आया नाले तेज आया नहीं नहीं यार मैं बढ़िया लगे सारे कैब ले जाते हैं बट आ बढ़िया सी शटल होंदी फ्री है ना शटल दा मतलब भी फ्री है लोग शटल ते चढ़दे नहीं तीन जने बैठे सी ओके तो मैं गया नहीं सीगा हुणे साडे जिहड़ा एरिया सीगा उच्च भी शटल बस चलदी सी वो भी फ्री सी जिथे मर्जी आओ उस एरिया च कल्ली एयरपोर्ट नहीं मतलब कोई एरिया सीगा मतलब अमीरां वाला एरिया ही नहीं हुंदा जिहड़ा ओ च बस ओ शटल बस चलाउंदे सी ते तुहाडी फ्लाइट टाइम ते आ गई ਮੀਂਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ
ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਏਅਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹਮੇ ਅਕੇਲਾ ਛੋੜ ਦੋ ਹਮਸੇ ਬਾਤ ਮਤ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵੂਮੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਵੂਮੈਨ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਿਆ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਈ 14 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਡੇ ਕੁੱਡੇ ਬੈਗ ਆ ਯਾਰ 16 ਕਿਲੋ ਦਾ 16 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆ ਦੇਖ ਵੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਐਵੇਂ ਮੰਗ ਲੂਗਾ ਸੋ ਇਹਦਾ 13 ਕਿਲੋ ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 25 ਕਿਲੋ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਸੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਅਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਗੋ ਏਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਹੁਣ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯਾਰ 2 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਆ ਜਾ ਕਰੂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ